नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। लॉकडाउन 4 के बाद अब लॉकडाउन 5 की भी तैयारी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 31 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे तो लॉकडाउन 5 का ऐलान कर सकते हैं। इसको लेकर नई तैयारी की जा रही है कि ये लॉकडाउन 5 कैसा होगा, क्या इसमें सख्ती बढ़ाई जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिए जाएंगे। इसे लेकर जो सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के 5वें चरण में 11 शहरों को छोड़कर बाकी देश के हिस्सों में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि 1 जून से देश के मंदिरों को भी खोला जा सकता है। ये भी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से कहना है कि लॉकडाउन 5 में 11 शहर जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता में सख्ती बढ़ाई जा सकती है। दरअसल इन 11 शहरों में देश के जितने भी कोरोना के मामले हैं उसके 70% से ज़्यादा केस सिर्फ इन्हीं 11 शहरों से है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लॉकडाउन 5 का ऐलान करेंगे तो उसमें इन 11 शहरों के लिए अलग नियम हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि लॉकडाउन 5 15 दिनों का होगा, यानी कि 15 जून तक लॉकडाउन और बढ़ने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 5 शहर अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई, इन 5 शहरों के लिए कुछ और भी ज़्यादा नियमों को सख्त किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में इन 5 शहरों के लिए अलग से वो कुछ कह सकते हैं लॉकडाउन 5 को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कुल केस के, भारत के कुल केस के 60% मरीज सिर्फ इन्हीं 5 शहरों से हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई। लॉकडाउन के 5वें चरण में जो बड़ी खबर ये भी है कि केंद्र सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जाएगी, लेकिन इसमें नियम और शर्तों को लागू किया जाएगा, यानी कि किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी मेला या महोत्सव मनाने की छूट नहीं होगी। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठे होने की भी मनाही होगी। इतना ही नहीं, मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मास्क पहनकर ही जाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि लॉकडाउन 5 के दौरान सभी जोनों में सैलून और जिम को खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। ये भी बड़ी खबर है कि लॉकडाउन 5 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैलून और जिम को खोलने की इजाज़त जैसी खबरों का भी ऐलान कर सकते हैं। सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह जिम और सैलूनों को खोल दिया जाएगा। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि लॉकडाउन 5 में कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं खोलेगी, साथ ही मॉल और मल्टीप्लेक्स भी फिलहाल बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाने का भी ऐलान कर सकते हैं। ऐसी खबर आ रही है कि जो शादी में अभी तक 50 लोगों की कैप लगी हुई है कि सिर्फ 50 ही लोग शामिल हो सकते हैं, यह संख्या अब बढ़ सकती है। तो लॉकडाउन 5 का ऐलान 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में कर सकते हैं, जिसमें कुछ छूट भी होगी तो वहीं 11 शहरों में ज़्यादा पाबंदियाँ भी लग सकती हैं।